हेलो एवरीवन। तो आज हम आए किरण के घर, मेरी बुआ की लड़की किरण, उसको ये 4 महीने पहले बेबी हुई है तो उसको देखने हम आए। समृद्धि नाम रखा है इसका। ये किट्टू किरण की बड़ी लड़की और चुटकू मुटकू। थैंक यू किरण हमें सरप्राइज देने के लिए। तो केक काट के भगवान के हाथ जोड़े, वरना मजाक कर रहे हैं कि 11,000 चढ़ाओ। ये अगले दिन सुबह हम मेरे ससुराल जा रहे हैं, दोपहर हो गया रवाना होते होते। ये मेरी देवरानी हिमांशी, काशवी और ये चुटकू। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई तो सब थक गए। ये गांव पहुंचते ही मैंने कपड़े चेंज किए, उतारों के थे तो चुभ रहे थे। तो किचन में सब्जी बना रही हूँ तो खाना बना के खाएंगे। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, गांव की बात ही अलग होती है। ये पालक उगा रखा है। ये चीकू का पेड़, ये मूली, मेथी, ये बैंगन। ये संतरे का पेड़, कितने सारे संतरे लगे हैं इस पे। मेरा ससुराल राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ता है। तो राजस्थान में आए हैं, अब आपको मारवाड़ी सुनने को मिलेगी। वैसे हम घर में मारवाड़ी बोलते हैं बच्चे और हम। घर से दूर रहने का यही नुकसान है, घर में इतने सारे संतरे हो रखे हैं और वहाँ खरीद के खाओ। यही देख रहे हैं संतरे। टाइम देख, 20 किलो तो ऐसे लग रहा है एक दफाई। आज मेरे ससुर जी कहीं बाहर गांव में गए हुए हैं तो हम सब ने हिम्मत की इधर आने की। आते हैं बट वो बोलते हैं भाई तुम लोग इधर ही तोड़ के फेंक देते हो, नुकसान करोगे, मैं ही तोड़ के दे देता हूँ। कैसा है काशी, खा के बता। ये काशी संतरे खा रही है और मुटकू भी आ गई। अब मैं जा रही हूँ संतरे तोड़ने और ये मेरा वीडियो बना रहे हैं। सही पकेड़ा ही है ना, सभी पकेड़ा है ना। तोड़ लो, तोड़ ले। संतरों का इतना वजन हो गया है पेड़ पे कि ये नीचे टच हो रहा है तो इसको सपोर्ट करना पड़ रहा है। ले इधर सब संतरे खाने में ही लगे हैं। तो मैं भी इनके पास आके बैठ गई, संतरे खाए फिर सबने। तो इधर बैठ के हम सबने संतरे खाए। Thank you.
वो उधर अनार का पेड़ है, उस पे नेट ओढ़ने लगा रखी है। ये नींबू के पेड़, 3-4 नींबू के पेड़ है, उन पे बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। ये बेर का पेड़ है, बेर तोड़ रही हूँ मैं। मेरे ससुर जी मतलब पापा हुकुम को बहुत शौक है गार्डनिंग करने का, तो उनका शौक भी पूरा होता है और सब्जी फ्रूट ये सब हम सबके लिए खाने को भी हो जाता है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, जो मेहनती हो वही कर सकता है। ये संतरे खा के बच्चे फिर खेलने लग गए। वो उधर हमारे गाय की बच्चिया गाय चढ़ने गई है, और वो उधर पापड़ खा के फिर आ गए खेलने। इनका इधर यही रूटीन रहता है, बस खाओ पियो और फिर खेल लो, यही रहता है। छुट्टी का पूरा फायदा उठा रहे हैं बच्चे खेल खेल के। वो उधर मम्मी जी और वो बातें कर रहे हैं और पंकज बना घूम रहे हैं। सॉरी गाइस, ये वीडियो लेट हो जाएगा, यहाँ गांव में नेटवर्क नहीं है तो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। ये घर के साइड में पानी का कुंड बना रखा है, इसमें बारिश का छत का पानी स्टोर होता है। ये पानी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसलिए मेरे ससुर जी ने ये अरेंजमेंट कर रखा है। ये हिमांशी को उसकी मम्मी अभी जा रही थी, वो दिख गई तो मम्मी को देखने लग गई। अच्छा मम्मी दिख गई, हाथ कर रही हिमांशी हिमांशी बुढ़ी अम्मा बुढ़ी अम्मा बुढ़ी अम्मा बुढ़ी अम्मा। ये गांव में शाम को पूजा का रूटीन डेली का, पूजा के बाद सब बैठते हैं, प्रसाद मिलता है और सब बातें करते हैं, अच्छा लगता है बहुत। यहाँ शहरों की तरह मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।